हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लैग्रांजे मेथड के बारे में बताया था, जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लैग्रांजे मेथड से फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर होती है, क्वासी लीनियर, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और उसमें मैं टाइप वन को डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, टाइप वन है ना। और आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे टाइप टू पर, कि टाइप टू जो होता है लैग्रांजे मेथड, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे में सॉल्व किए जाते हैं बाय यूजिंग लैग्रांजे मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग रूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या होता है कि दिया होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर, जहाँ पर पी क्यू आर कैपिटल में जो है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, और स्मॉल पी स्मॉल क्यू की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई होती है रेस्पेक्टिवली। फिर हमें इसमें लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना होता है, वो सिंपल है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, ये हमारी लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। फिर इसके जो तीन फ्रैक्शन हैं, इनसे हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तीसरी स्टेप में फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बाय टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन फ्रॉम वन, है ना। इस इक्वेशन वन से हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, और वो होता है हमारा यू और वी की फॉर्म में एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, जो है ना यू इक्वल टू सी वन वी इक्वल टू सी टू। फिर सॉल्यूशन को लिखने के तीन तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आंसर जो आपके आंसर शीट होती है बुक में, उसमें तीनों में से कोई एक फॉर्म लिखी होगी। ठीक है, अब हम जाते हैं टाइप टू पर। ये तो मेथड है जो कि हमने टाइप वन में भी यूज किया था लास्ट लेक्चर में, अब टाइप टू हम कब यूज करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। तो टाइप वन में आपने देखा था कि अगर हम लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन के कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, वे इजीली इंटीग्रेबल होते हैं, और इंटीग्रेट करके वो इजीली दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें दे देते हैं। टाइप टू में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन तो हमें इजीली मिल जाएगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन को निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी। और टाइप टू में हम करते क्या है कि जो हमने एक सॉल्यूशन, जो पहला सॉल्यूशन हमने निकाला है, उसको यूज करते हैं हम दूसरा सॉल्यूशन को फाइंड करने में, वो टाइप टू होता है, है ना। ये मैंने स्क्रीन पर लिखा भी है कि इन दिस मेथड वन सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली, एक सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, एंड कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग अनदर सॉल्यूशन, और उसको हम जो है दूसरा सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, उसको फाइंड करने में पहले सॉल्यूशन का हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो ये टाइप टू के क्वेश्चन जाएंगे, इसकी पहचान बहुत ईजिली हो जाती है। जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका हमें सेकंड सॉल्यूशन में यूज करना होता है। एक एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा हटाकर गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन वन, ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हमें लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है, हेयर लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ इज। जो लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर होगी वो होगी डी एक्स अपॉन पी का कोफिशियंट वन, डी वाई अपॉन क्यू का कोफिशियंट थ्री, और डी जेड अपॉन, ये जो इक्वल में है, फाइव इंटू जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन टू डालता हूँ, फर्स्ट वाले को फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड को सेकेंड फ्रैक्शन, और थर्ड को थर्ड फ्रैक्शन। इनमें से कोई भी दो फ्रैक्शन लेने हैं और हमें दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड करने हैं। टाइप टू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सॉल्यूशन तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को ले, तो एक सॉल्यूशन तो हमारा देखिए कितना इजीली फाइंड हो गया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन टू। इक्वेशन टू का अगर फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को ले, तो ये हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन थ्री, ये हमें मिलेगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल जाता है डी वाई इक्वल टू थ्री डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो
एक सॉल्यूशन तो हमें इजीली मिल जाएगा, dy मतलब y इंटीग्रेशन करके मिलेगा, और इधर 3x और एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं प्लस c1, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो y माइनस 3x इक्वल टू c1, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया जो कि बहुत इजीली मिल गया, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब दूसरा सॉल्यूशन अगर आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं तो टू मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें वाई भी है, एक्स भी है, जेड भी है। सेकंड और थर्ड को लेके तब भी वो नहीं निकल पाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, इस टाइप की जो सेकंड टाइप है इसका आराम से पहचान हो जाती है। कैसे होगी पहचान? कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है इसमें y माइनस 3x लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, वाई माइनस 3x लिखा हुआ है, और जो उसका थर्ड फ्रैक्शन है उसमें भी आपको y माइनस 3x लिखा हुआ है। इसका मतलब y माइनस 3x की वैल्यू वहाँ पर हम ये जो c1 कांस्टेंट है ये रख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया टाइप टू में ऊपर लिखा हुआ भी है कि एक सॉल्यूशन तो इजीली फाइंड हो जाएगा और दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें जो हम सॉल्यूशन निकाला है उसका यूज करना पड़ेगा। तो यदि हम इक्वेशन थ्री में जो y माइनस 3x की वैल्यू c1 है, ठीक है, यदि हम उसको थर्ड फ्रैक्शन में रख दे तो ये इजीली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इजीली इंटीग्रेशन होने के बाद हमें सेकंड सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वही काम करता हूँ, या तो आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को ले लीजिए या आप सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को ले लीजिए, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन टू। फर्स्ट और अगर थर्ड को लेते हैं तो डी एक्स अपॉन वन होगा, और इज इक्वल टू में डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स होगा, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है एक्स और जेड के रेस्पेक्ट में, और नीचे वेरिएबल हमारा वाई भी है, एक्स भी और जेड भी है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इक्वेशन थ्री को यूज करके इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे? ये तो हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन सी वन, कह देते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो टाइप टू में यही होता है कि जो हमने पहला सॉल्यूशन निकाला है उसका यूज हो जाता है सेकंड सॉल्यूशन को निकालने में, और फिर वो इजीली आपका इंटीग्रेशन होके आंसर दे देगा। अब ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक्स है और राइट हैंड साइड में केवल जेड है, क्योंकि टेन सी वन यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, ओके। तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, ऑन इंटीग्रेटिंग। यदि आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, जब आप फाइव जेड प्लस टेन सी वन को कुछ मानेंगे, टी मान लेते हैं, तो ये डी टी, ये जो फाइव है ये आपका वन अपॉन में चला जाएगा, वन अपॉन फाइव, और ये वन अपॉन टी बनेगा, यानी कि लॉग, जिसको हम कह सकते हैं फाइव जेड प्लस टेन सी वन। और एक कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा जिसको हम नाम दे देते हैं प्लस सी टू का। सी वन की जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाली थी वो वापस से रख देंगे यहाँ पर, और इसको सोल्व करके हमें मिलेगा। चाहे तो आप इस फाइव को हटाने के लिए फाइव से डिवाइड कर सकते हैं कॉन्स्टेंट में, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, सी टू अपॉन फाइव भी लिया जा सकता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये फाइव एक्स माइनस लॉग फाइव जेड और प्लस टेन सी वन आपको मिलेगा, और इक्वल टू में सी टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है फाइव एक्स माइनस लॉग ये फाइव जेड और प्लस टेन सी वन की वैल्यू वापस रख देते हैं, सी वन की वैल्यू है वाई माइनस थ्री एक्स, तो वो वैल्यू वापस रखी इक्वल टू सी टू। तो ये हमें दूसरा सॉल्यूशन फाइंड हो गया, ठीक है। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर फोर, ये सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर या तो फाइव यू वी इक्वल टू जीरो करके लिख दीजिए, या एक तरीका और है कि फाइव ऑफ जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वाई माइनस थ्री एक्स, ये इक्वल हो जाएगा हमारा फाइव एक्स माइनस लॉग फाइव जेड और प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। चाहे तो आप फाइव
एक सॉल्यूशन कोमा दूसरा सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो करके भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए इस मेथड का। एग्जाम्पल नंबर टू, इस एग्जाम्पल टू में हमें सॉल्व करना है एक्स जेड इंटू पी प्लस वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो सॉल्यूशन में हम जो गिवन है वो लिख देंगे, ये हमें गिवन है, इसको इक्वेशन वन डाल देंगे। फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, हेयर ऑक्सिलरी लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी एक्स अपॉन पी का कोफिशियंट, डी वाई अपॉन क्यू का कोफिशियंट और डी जेड अपॉन इक्वल टू में जो लिखा है वो लिख देंगे, इक्वेशन टू डाल देंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, दिस इज अवर थर्ड फ्रैक्शन। अब वही दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इन फ्रैक्शंस को लेकर के, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सॉल्यूशन तो इजीली निकल जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करना होगा, वो टाइप टू के अंदर आता है। तो पहले दो फ्रैक्शन लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड, जेड से जेड कट जाएगा, ये आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो इधर मिलेगा आपको लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई, और एक कांस्टेंट हम यहाँ पर इन्वॉल्व करा देते हैं, वो हो जाएगा लॉग सी वन, और यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो माइनस में आएगा तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग सी वन होगा, इससे हमें क्या मिलेगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी वन मिलेगा, जो कि एक सॉल्यूशन हो जाएगा। या इसको हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू सी वन इंटू वाई, है ना, दोनों का एक ही मतलब है। इक्वेशन नंबर तीन डाल देंगे, तो एक सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमें मिल गया, दो फ्रैक्शन लिए और इंटीग्रेशन किया और एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब सेकंड सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन टू का, वी गेट सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेने पर यहाँ पर मिलता है डी वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई से वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलता है डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो है वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स भी इन्वॉल्व हो गया आपके साथ, देख सकते हैं एक्स भी इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन तो वाई और जेड के रेस्पेक्ट में है लेकिन एक्स भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब हमें इस एक्स को हटाना पड़ेगा तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा एक्स डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड, ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड में जो है उसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि हमने ऊपर निकाली है इक्वेशन थ्री में, है ना, फ्रॉम थ्री एक्स की वैल्यू हमारी थी सी वन इंटू वाई, अगर वो वैल्यू यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो देखो कितनी ईजिली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रखी सी वन वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड, है ना, इससे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं यहीं पर ही कर देता हूँ, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ सी टू अपॉन टू, तो इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा टू से टू कैंसिल आउट होगा सी वन वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, सी वन की वैल्यू रख देते हैं वापस, सी वन की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर से, सी वन की वैल्यू इक्वेशन थ्री से अगर निकाले तो एक्स अपॉन वाई है, तो यहाँ पर एक्स अपॉन वाई
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, और वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा सॉल्यूशन फाइंड हो गया, ओके, इक्वेशन नंबर चार कह सकते हैं। हैंस लास्ट में दोनों सॉल्यूशन को फाई के अंदर लिख देते हैं। एक सॉल्यूशन आपका निकला है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी वन यानी कि एक्स अपॉन वाई, और दूसरा सॉल्यूशन है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हमारा टाइप टू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन तो इजीली निकल जाता है, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करना पड़ता है, तभी सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल पाता है। ठीक है, तो मेन काम होता है हमारा दो सॉल्यूशन को निकालना, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया। फिर टाइप टू के अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे बुक में से, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस आप कर लेना, है ना, कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम टाइप थ्री पर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप थ्री क्या होता है, टाइप थ्री में जब आपको ना तो फर्स्ट मेथड लग पाए ना सेकंड मेथड लग पाए, तो उसमें हम लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स लेते हैं, है ना, मल्टीप्लायर्स लेते हैं कुछ एक्स वाई जेड के फंक्शंस, और तब जाके हम उसको एक नया फ्रैक्शन कंस्ट्रक्ट करके तब जाके हम उसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं, तो वो मेथड नंबर थ्री होगा। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ये हमारा टाइप टू कवर हुआ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा टाइप थ्री को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, जितने भी मैथमेटिक्स आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे या बीएससी में भी पढ़ेंगे, है ना, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। मैथमेटिक्स वन, मैथमेटिक्स टू, मैथमेटिक्स थ्री, फोर, और आगे भी जो मैथमेटिक्स आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, वो सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्द। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ लॉजिक की जो बुक है वो भी मैं पैरेलल चला रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि मैंने सभी के सभी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप जाइए। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पाँचों मॉड्यूल की अलग प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स थ्री के पाँचों मॉड्यूल की अलग प्लेलिस्ट है, और मैथमेटिक्स फोर के पाँचों मॉड्यूल की अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट आप क्लिक कीजिए, उसमें आपको सिक्वेंसली सभी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और जितना